दोस्तों मात्र 2 घंटे के अंदर में मेरा चैनल हो गया फिर से मोनेटाइज। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रात 9:35 पे मैंने अपने चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए जब री अप्लाई किया तो आप बिलीव नहीं करोगे, मात्र 12:15 पे ही यूट्यूब के तरफ से एक मेल आ गया कि आपका चैनल फिर से मोनेटाइज कर दिया गया है, आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ मात्र 2 से 2.25 घंटे के अंदर में ही मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज। तो दोस्तों कैसे, तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देखिए। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चैनल अभी फुली मोनेटाइज है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे आ चुका था रीयूज कंटेंट, जिसके वजह से मेरा चैनल हो गया था डीमोनेटाइज। तो दोस्तों आखिर कैसे मैं उस डीमोनेटाइज वाले चैनल को मोनेटाइज कैसे किया मात्र 2 घंटे के अंदर में, तो दोस्तों इस वीडियो में फुल आपको जानकारी दूंगा, ताकि जितने भी भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर कभी भी रीयूज कंटेंट चैनल पे आए तो इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं और अपने डीमोनेटाइज चैनल को फिर से मोनेटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे YouTube से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम 3 बातों को जानेंगे। पहला नंबर बात, रीयूज कंटेंट क्यों आता है। दोस्तों दूसरा नंबर बात हम जानेंगे, रीयूज कंटेंट जब आ जाता है तो हम क्या करें। तीसरा नंबर बात जानेंगे कौन कौन से गलतियां हैं जो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1, रीयूज कंटेंट क्यों आता है। तो दोस्तों रीयूज कंटेंट बहुत सारे कारणों की वजह से आता है, जिसको अगर मैं गिना दूँ तो बहुत कम होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको 2-4 रीजन जो इम्पोर्टेंट है, जो 100% हर चैनलों पर आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला नंबर कारण ये होता है कि दोस्तों आप अगर किसी दूसरे चैनल का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करोगे तो दोस्तों आपके चैनल पे आ जाएंगे रीयूज कंटेंट, ठीक है। दोस्तों अगर दोस्तों आप किसी दूसरे चैनल का अगर क्लिप भी आप लगाते हो, यानी कि 30 सेकेंड 35 सेकेंड या 20 सेकेंड ऐसे क्लिप भी लगाते हो, अगर वो फेयर यूज के तहत आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली आपने लगा दिया डिस्क्लेमर नहीं डाला, तो भी दोस्तों आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट आ जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों आपको बताता हूँ कि दोस्तों आपने अगर अपने चैनल पे खुद के वीडियो के आपके गैलरी के ही वीडियो क्यों ना हो, अगर उसको बार बार अपलोड करोगे तो भी दोस्तों आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट आ जाएगा। चौथा नंबर दोस्तों आपको कारण मैं ये बताता हूँ कि दोस्तों सेम टाइटल पे अगर 3 से ज़्यादा वीडियो आपने बना दिया तो भी दोस्तों आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारे कारण हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, दोस्तों अगर आप किसी का वीडियो अपलोड कर दिए अपने चैनल पे और दोस्तों उस वीडियो को आपने डिलीट भी कर दिया तो भी दोस्तों आपके चैनल पे रीयूज कंटेंट आ सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा मेरे साथ हुआ है। क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे 7 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। दोस्तों मैं जब गाँव आया उसके बाद दोस्तों मालती चौहान को उस टाइम में देहांत हो गया था, वो ट्रेंडिंग टॉपिक था, वो एक ब्लॉगर थे, यूट्यूबर थे, तो उनके ऊपर बहुत लोगों ने वीडियो बनाया, तो दोस्तों मैंने भी उस टॉपिक पे वीडियो बनाया। हालांकि दोस्तों मैंने उनका क्लिप यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ उनका जो लास्ट जा रहा था उसका थोड़ा सा क्लिप, यहाँ पे दोस्तों चीता उनका जा रहा था यहाँ पे क्लिप थोड़ा सा लगाया था, जिसके वजह से दोस्तों मेरे चैनल पे रीयूज कंटेंट आ गया। और दोस्तों कब आया, जैसे ही मैंने मोनेटाइजेशन के लिए आप उसको ऑन किया तो दोस्तों वहाँ पे मोनेटाइजेशन मेरा ऑन नहीं हुआ, सुसाइड इशू लिख दिया, तो दोस्तों मैं फिर उस वीडियो को डिलीट कर दिया। मैं बोला जब इस वीडियो से मैं और नहीं कर पाऊँगा तो इसको डालने से क्या फ़ायदा, तो मैंने उसी को डिलीट कर दिया। लेकिन दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, 11 दिन बाद मेरे चैनल पर रीयूज कंटेंट आ गया। 11 दिन बाद वीडियो अपलोड मैंने किया, उससे 11 दिन बाद मेरे चैनल पर रीयूज कंटेंट आ गया। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों आप ये मत सोच के चलिए कि आज आपने किसी दूसरे का वीडियो अपलोड कर दिया और आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आज नहीं आया है तो भविष्य में नहीं आएगा। दोस्तों आ भी सकता है, न भी आ सकता है, मेरा तो आ गया था क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक था, और आपका न आए तो भगवान की दया से अच्छा है। तो दोस्तों ये हुई बात। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रीयूज कंटेंट आपके चैनल पे अब आ चुका है तो दोस्तों आप अब क्या कर सकते हो। तो दोस्तों रीयूज कंटेंट जब आपके चैनल पे आ जाएंगे तो आपके पास दोस्तों 2 ऑप्शन होते हैं, अपील नंबर 1 और अपील नंबर 2। अपील नंबर 1 में आप 14 दिन के अंदर में
रीअप्लाई कर सकते हो। अपील नंबर टू में दोस्तों आप 3 मंथ बाद रीअप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अपील नंबर 1 क्या होता है, अपील नंबर 2 क्या होता है। अपील नंबर 1 में दोस्तों आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आप अपील 1 में तभी अप्लाई कर सकते हो जब दोस्तों आपने किसी भी वीडियो को अपने चैनल से नहीं डिलीट किया हो। रियूज कंटेंट आने से पहले आपके चैनल पे जितने भी वीडियो थे, मान लीजिए 130 वीडियो आपके चैनल पे थे, तो आप रीअप्लाई करने जा रहे हो, उससे पहले आप सोचोगे कि आपके चैनल पे वीडियो रियूज कंटेंट आ गया, वीडियो उड़ा दोगे और उसके बाद रीअप्लाई करोगे तो आपका चैनल फिर से मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। दोस्तों आप अपने चैनल के कोई भी वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर आप डिलीट कर दिए हो तो आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा अपील नंबर 2 के लिए। तो दोस्तों अगर दोस्तों अपील 1 पे आप क्लिक करना चाहते हो तो आप श्योर हो जाओ कि आप रियूज कंटेंट आने के 10-15 दिन पहले भी किसी अगर वीडियो को डिलीट नहीं किया है और आपको लगता है दोस्तों कि ये सारा का सारा वीडियो मेरा है, मैंने किसी का क्लिप यूज नहीं किया है दोस्तों, मैंने सेम टू सेम अपने वीडियो को अपलोड नहीं किया है दोस्तों, मैंने सेम टू सेम टाइटल को नहीं अप्लाई किया है, तो दोस्तों आप अगर पूरी तरह श्योर हो, आपको लगता हो कि यहाँ पे मेरी गलती नहीं है, यूट्यूब की गलती है, यूट्यूब के मिस्टेक की वजह से मेरे चैनल पे रियूज कंटेंट आए हैं, तो दोस्तों आप रीअप्लाई कर सकते हो। 14 दिन का टाइम मिलता है, 14 दिन के अंदर में ही आप रीअप्लाई करोगे, 12 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आपके चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे। दोस्तों आपको 2 घंटे के अंदर भी मोनेटाइज हो जाएगा अगर आपके चैनल में आप प्रॉपर अपना ही वीडियो डालते हो, किसी अदर का कभी नहीं डाले हो और रेगुलर अपना टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करते हो, आप सही पे हो, तो 2 घंटे के अंदर में ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके चैनल पे कुछ गड़बड़ी उनको लगा तो दोस्तों आपके चैनल मोनेटाइज होने में 12 घंटा 10 घंटा भी लग सकता है, ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अब दोस्तों अपील नंबर 2, आपने अगर वीडियो डिलीट कर दिया या दोस्तों आपने यूज किया है, आपको पता चल गया कि हाँ भाई यूज कंटेंट यूज किया है, तो सबसे पहला नंबर बात आपको 3 महीना का वेट करना होगा। इस दौरान आप अपने चैनल पर कंटिन्यू रहिएगा। कंटिन्यू रहने से फायदा ये है कि आपका वॉच टाइम जो होगा वो दोस्तों डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। इस दौरान जो आपका वीडियो है, आपको लगे कि उस पर रीयूज कंटेंट आया है, उस सारे वीडियो का आप डिलीट कर दीजिएगा, फिर से दूसरा वीडियो आप बना के डालिएगा। इस 3 महीने के दौरान दोस्तों आप अपने चैनल पर 4000 का वॉच टाइम कम नहीं होने दीजिएगा। अगर 4000 का वॉच टाइम कम हो गया तो आपका 3 मंथ पूरने के बाद भी आप रीअप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वॉच टाइम आपका रहेगा ही नहीं। तो आप कोशिश करना कि 3 महीने के अंदर में आप वीडियो रेगुलर डालते रहना। इससे क्या होगा कि आपका वॉच टाइम डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद आप सक्सेसफुल अप्लाई करोगे, आपका चैनल 100% आपका भाई होता है बोलता है मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी रियूज कंटेंट से रिलेटेड अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, आपका भाई रिप्लाई जरूर देगा। तो ज़्यादा क्या बोलूँ, जय हिंद।